हेलो गाइस, दिस इज़ अल्टीमेट डॉट हेयर। मेरा नाम है सौरभ। आज आपके लिए एक कंप्यूटर का ट्रिक लेके आया हूँ, जो है कंप्यूटर का जो ड्राइव होता है, सी ड्राइव एंड ई ड्राइव एंड एफ ड्राइव, जो ड्राइव होता है उसको कैसे पूरा का पूरा जो ड्राइव है उसको कैसे हाइड करना है। तो मान लीजिए आपका कोई भी एक ड्राइव में आपका कोई फाइल्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स या पर्सनल कुछ है, उसको कैसे आप हाइड कर सकते हो वही दिखाएंगे इस वीडियो पे। पहले आपको जाना है विंडोज़ पे एंड टाइप करना है CMD। CMD ओपन होने के बाद कुछ कोड आपको डालना है। जो पहला कोड जो है उसको वो है डिस्पार्ट, देन एंटर। एंटर करने के बाद एक पॉपअप आएगा, उसको करना है आपको यस, देन आपको टाइप करना है ना लिस्ट वॉल्यूम, देन एंटर। मेरा देखिए मेरा तीनों ड्राइव है वो शो हो गया। एंड मैं एफ ड्राइव को हाइड करना चाहता हूँ, तो आपको टाइप करना है सिलेक्ट वॉल्यूम देन एफ। आप जो ड्राइव को हाइड करना चाहते हो उस ड्राइव का नेम आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है रिमूव स्पेस लेटर स्पेस एफ, ठीक है। इसके बाद मैं जब एंटर मारूंगा मेरा जो ड्राइव है वो पूरा ड्राइव गायब हो जाएगा, ठीक है। देन एंटर। देखिए मेरा एफ ड्राइव जो है, सॉरी, मेरा जो एफ ड्राइव है पूरा का पूरा चला गया। तो फिर से कैसे आपको वापस लाना है, तो एक बात आपको बता दूँ। आपका मान लीजिए आप ऐसे ही रख दिया और आपको आप PC रिस्टार्ट कर दिया या शटडाउन कर दिया, कुछ दिनों के बाद आप फिर से ना एफ ड्राइव को आप वापस लेके आना चाहते हो, तो इस मामले में कैसे लेके आना है, तो आपको मैंने जो स्टेप आपको बताया, पहले आपको जाना है CMD देन डिस्पाथ, उसके बाद लिस्ट वॉल्यूम देन सिलेक्ट वॉल्यूम, ठीक है। सिलेक्ट वॉल्यूम में आके आपको टाइप करना है एशाइन AssIgn स्पेस लेटर स्पेस एफ, ठीक है। आपको रिमूव नहीं डालना है क्योंकि पहले से आप डाल चुके हो, तो assign लेटर एफ डालना है। उसके बाद आपको करना है एंटर। एंटर माने से आपका जो ड्राइव है वो फिर से वापस आ जाएगा। देखिए मेरा जो एफ ड्राइव है फिर से वापस आ गया। आप मेरा चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।